दैट सुनामी आइलैंड, सुनामी आइलैंड पे बाकी क्या अदर एक्टिविटीज, हालांकि मैं सब नहीं करने वाला हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा वही करूँगा, बहुत कुछ मैंने पहले ही कर चुका हूँ। हम लोग जो जा रहे हैं ना सुनामी, तो गाइस पहला वाटर स्पोर्ट जो तुम्हारा भाई कर रहा है वो है कायाकिंग। हाँ, हालांकि मैं सुनामी आइलैंड पे ही हूँ, पीछे दिख रहा होगा आपको सुनामी आइलैंड, सुनामी आइलैंड के थोड़ा पीछे, लाइक यू नो ये दिस इज़ बैक वाटर्स, तो काफ़ी शांत पानी है और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कायाकिंग। वही बात हो गई यार, चश्मा नहीं लाया, सब चीज़ में तकलीफ। ठीक है, तो पहला वाटर स्पोर्ट विच आई लाइक इज़ कायाकिंग। अगर आपको कायाकिंग पसंद है तो आप भी कर सकते हो। रही बात प्राइजेस की, तो प्राइजेस में आपको लास्ट में जो भी मेरे वाटर स्पोर्ट्स है मैं उनके चार्जेस आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल वाटर स्पोर्ट्स के मज़ा लेते हैं, प्राइस पे ध्यान नहीं देते, प्राइस पे बात करेंगे आखिर में। ठीक है, तो नाउ गाइस जो मैंने सीखा कायाकिंग रूल वो आपको बता देता हूँ। रोइंग को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो ये हो गया रोइंग, इससे होता है एक्सीलरेट। हालांकि अगर आपको लेफ्ट जाना है तो आपको अपोजिट पैडल करना पड़ेगा, यानी राइट, अगर आप राइट में पैडल करोगे तो आप लेफ्ट में जाओगे, और लेफ्ट में पैडल करोगे ऐसे तो राइट में जाओगे, और स्ट्रेट चलने के लिए ये वाला लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। ठीक है, और रिवर्स का तो भूल ही गया यार, रिवर्स कैसा करते, मेरे ख्याल से रिवर्स को ऐसा करते होंगे, हाँ ऐसे ही करते राइट नहीं, तो दैट्स इट। अभी कायाकिंग का मज़ा लो, व्यूज़ देखो, व्यूज काफ़ी अच्छा है दोस्त, दिख रहा है नारियल के झाड़, तुम्हारा भाई एक हाथ से भी रोइंग कर सकता है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, क्या बात है क्या बात है, पब्लिक भी परेशान हो गई, बोले बंदा कर क्या रहा है, कब से कैमरा निकाल के एक हाथ से चप्पू मार रहा है। कोई बात नहीं भाई, कल मैं अगर बड़ा स्टार बन गया तो तुम लोग बोलोगे ये स्टार को मैंने देखा था, है क्या नहीं। तो व्यू दिखाता हूँ, और एक चीज और, अगर इफ वी आर लकी इनफ वी कैन इवन सी डॉल्फिन फ्रॉम हियर।
फिलहाल मैं हूँ सुनामी आइलैंड पे और मेरे साथ है रुपेश भाई। और रुपेश भाई यहाँ के चलते फिरते क्या बोलते हैं, गाइड और मेन्यू कार्ड है, और ये हमें बताएंगे कि कितना राइड का चार्जेस है और क्या क्या पैकेजेस है एक्स्ट्रा जो भी आपको जैसे भी आपको सूट होगा आप वैसे पैकेज ले सकते हैं इनके पास से। तो रुपेश भाई मुझे पहले बताओ, सबसे पहला आप ये आइलैंड पे सुनामी आइलैंड पे कितने दिन से काम कर रहे हो? तो हो गया अभी डेढ़ दो साल हो गया। तो रुपेश भाई को 1.5-2 साल हो गया, तो पता चलता है इनको काफ़ी नॉलेज होगा इस आइलैंड के बारे में। तो रुपेश भाई इधर का सबसे फेमस राइड कौन सा है? इसमें फेमस है जस्की, बनाना, बम्पर, रोइंग और स्पीड बोट, ऐसे पांच राइड अपने पास। हाँ, पांच राइड। तो पांच राइड में अरे पांचों राइड का अगर पैकेज लेंगे तो कितना? तो आप इंडिविजुअल राइड मानेंगे अपन तो, हाँ, तो 1000 रुपये आता है अपना। तो पैकेज भी लेंगे तुम लोग तो पांच राइड का तुमको 700 में पड़ जाएगा। पांच राइड का यानी 700 में पड़ेगा। और सिंगल इंडिविजुअल राइड मानेंगे जस्की का पर सीट का 300 रुपये पड़ेगा, एंड बम्पर बनाना पर सीट का 200 रुपये पड़ेगा। जेटस्की का 300 रुपये और बम्पर बनाना और स्पीड बोट का आपको 200 रुपये पड़ेगा। तो ये था, अगर आपको अगर आप ज़्यादा ही बड़े ग्रुप में हो तो बार्गेनेबल है? नहीं, बार्गेनेबल नहीं है। तो एक फिक्स रेट चलता है यहाँ पर, तो ग्रुप का स्कूल का ग्रुप आएगा कुछ आएगा ऐसा, तो जो डिस्काउंट कुछ देता है स्कूल के ग्रुप से। याद आया, अगर स्कूल के बच्चे लोग आते हैं तो उनको डिस्काउंट मिलता है, उनसे ज़्यादा पैसा लेते नहीं। काश मैं भी स्कूल में होता तो डिस्काउंट मिल जाता। बच्चा बनो कह दे डिस्काउंट। ठीक है, तो ये थे रुपेश भाई। अगर आप सुनामी बीच पे आओगे तो रुपेश भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। रुपेश भाई अपना इसका नाम बताइए। तो अपना सुनामी आइलैंड बताइए। सुनामी आइलैंड नहीं, आपका कुछ क्लब का नाम है, स्पोर्ट्स क्लब का नाम? ये अपना महापुरुष क्लब है, महापुरुष स्पोर्ट्स क्लब में ये है। और तो आप पूरे आइलैंड का देखिए, आइलैंड सब आइलैंड। हाँ, तो पूरे सुनामी आइलैंड का हम लोग आई। हाँ, तो पूरे सुनामी आइलैंड का ये पैकेज देते हैं। आपको पता है क्या, मैंने अभी तक बम्पर राइड अभी तक नहीं किया, बनाना राइड किया है, ये करके देखिए सर। हाँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ बम्पर राइड करने, और हालांकि नेक्स्ट टाइम और करेंगे। हाँ, तो बम्पर राइड जरूर करना आप अगर यहाँ पे आते हो। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम
भी बार बार यहाँ पे सुनामी आइलैंड पे आते जाएंगे। थैंक यू। Thank you.